नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। ढाका, मोतिहारी। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को आयुष स्वास्थ्य केंद्र मोतिहारी रोड ढाका में शिविर लगाकर डॉक्टर आरपी यादव द्वारा 51 छठव्रती महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया गया। डॉक्टर आरपी यादव ने छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आस्था व सूर्य उपासना का महापर्व छठ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करना पुण्य का काम है। वस्त्र पाने वाली महिलाओं में प्रभा देवी, पतिया देवी, पार्वती देवी, लालसा देवी इत्यादि ने कहा कि डॉक्टर साहब समाज सेवी व्यक्ति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब प्रत्येक वर्ष इसी तरह हम गरीबों में वस्त्र वितरण करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आज आपने 51 छठ व्रतियों को साड़ी बांटी है, इसका ख्याल आपके मन में कहां से आया और क्या उद्देश्य है इसको बांटने का? देखिए, उद्देश्य क्या है, गरीब है, गरीबों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। हमारे क्लिनिक पर बहुत सारे मरीज आते हैं जो हमें लगता है कि बहुत पुअर है, इनको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने तो कई सालों से सोच रखा था इनको करने के लिए, लेकिन इस साल इसको मैंने शुरू कर दिया है कि जो हमसे बन पाया कम से कम साड़ी का वितरण किया, और ऊपर वाला चाहा तो आगे बार से इस प्रोग्राम को और बढ़ा दिया जाएगा।